हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रितिका व्लॉग्स। आई एम रितिका। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तक भी सावन वाला दिन चल रहा है, तो मैं भी सोची थी कि सावन में कुछ स्पेशल करूं। तो मैंने सोचा वो शिवजी का लुक तो ले नहीं सकते हैं, पार्वती वाला लुक भी ले नहीं सकते हैं। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, तो आज वाला दिन मैंने अपने लिए मुहूर्त निकलवाया आज के दिन के लिए। तो आज वाले दिन ही मैं सोचूँ कुछ अपने आप को ड्रेसअप करूँ अच्छे तरीके से। मतलब मेरे पास लगभग आधे सामान है, बट गाइस शिव जी बनने के लिए थोड़ा मतलब अलग जगह जाना होगा, थोड़ा मतलब ऐसा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और पार्वती भी बनने के लिए उसके लिए भी बहुत कुछ चाहिए। तो फिर देखती हूँ कुछ ऐसा कोई लुक करती हूँ बस, जिसके जैसे मेरा सब कुछ लुक अच्छा लगे, और बस हाँ मतलब अच्छा लगे। मेरे पास सारा सामान भी है, उस हिसाब से मैंने निकाल के रखा है। और दीदी आज मेरी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि दीदी का एग्जाम है कल गाइस, आज सब कुछ मुझे ही करना है। बस हाँ, साड़ी वगैरह पहनना है, तो साड़ी मैं क्या सोच रही हूँ दीदी से ड्रेप करवा लूँगी, बाकी सब कुछ खुद से करूँगी। और ऊपर बैकग्राउंड ऊपर का ही रहेगा, मैंने सोचा है ऊपर का ही बैकग्राउंड रहेगा, नीचे का कैसे हो पाएगा उसे छोड़ दो। अभी चलती हूँ, अभी फटाफट से मैं आप सबको सारा सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। तो चलो गाइज, अभी मैं एक बार दीदी से पूछती हूँ कि वो मेरा साड़ी पहना सकता, मतलब मुझे साड़ी पहना सकती है कि नहीं, और हाँ थोड़ा उससे भी आइडियाज़ वगैरह लेती हूँ कि क्या क्या पहनूँ। दीदी ये देखो गाइज, मम्मी यहाँ पे मोबाइल चला रही है, और ये देखो दीदी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। दीदी मैं वो क्या कह, हाँ दीदी का कल एग्जाम है, वो मैं क्या कह रही थी ना कि सावन वाला दिन चल रहा है, तो सावन वाले दिन में मुझे कुछ ऐसा लुक रिक्रिएट करना था। आप देखो मैंने शिवजी वाला सोचा था, तो शिवजी का लुक रिक्रिएट हो नहीं सकता, उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह अच्छा चाहिए होता है। और पार्वती का मैंने सोचा था, पार्वती जी का भी नहीं हो सकता, बस मैं जो लुक भी करूँगी बहुत अच्छा करूँगी, और वो पार्वती जैसा ही रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा बस। तो जो मतलब तू कहना क्या चाह रही है, मतलब क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तेरा एग्जाम है वो मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ बस मुझे साड़ी पहनाना, बस बस पल्लू पल्लू लगाना बस, बाकी मैं सब कुछ पहन लूँगी। कर दोगी? ठीक है, ओके। और सुनो दी, वो मेरे थोड़ी ज्वेलरीज वगैरह डिसाइड कर दो कौन कौन सी ज्वेलरीज पहनो, मैं लेके आती हूँ दिखाती हूँ, ठीक है? तो गाइस अभी चलो मैं दीदी के पास से कलेक्शंस वगैरह लेके चलती हूँ। मेरे पास अभी ये तीन तीन ज्वेलरीज हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है जो ऊपर वाला है ये ज़्यादा अच्छा लगे, दीदी भी यही वाला डिसाइड करेगी आई थिंक सो। तो दीदी बताओ, यहाँ पे मैं तीन ज्वेलरीज लेके आई हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस ज्वेलरी को पहनने पर मैं फनी लगूंगी, ठीक है? वैसे बनने क्या जा रही है? बस पार्वती जी का थोड़ा सा लुक रहेगा। मम्मी मम्मी प्लीज थोड़ा धीरे करो, थोड़ी देर बाद देखो। हाँ तो ये रहा, देखो नहीं ये नहीं सुनता। हाँ मतलब मैं पूछ रही बनने क्या जा रही, मतलब पार्वती जी का रहेगा ना? अच्छा पार्वती नहीं, ये दीदी ये नहीं ना, वो साड़ी दीदी तुम्हारी वो व्हाइट और रेड वाली थी ना कॉलेज वाली, वही है। ऑक्सीडाइज नहीं, ऑक्सीडाइज कुछ गोल्ड में अच्छा लगेगा। मुझे तो ये था, मैं लाने से पहले ही बोली कि ये वाला लेकर आई जब तुझे पता ही था। तो मम्मी ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये वाला ज्वेलरी है ना, ये वाला देखो जो भी मैं लुक क्रिएट करने वाला। ये भी अच्छा लगेगा, इसमें मांग ठीक है यार, इसमें नहीं है। ये बात तो है, लेकिन पर कोई बात नहीं दीदी, ये ज्यादा चमक रही है, नहीं लग रहा ऐसा? हाँ, ये चमक थोड़ा सा ज्यादा रहा है। ये सुन, बट इसकी इयररिंग टूट गई थी ना? हाँ इसकी इयररिंग टूट गई थी। कान में क्या पहनूंगी? तो मैं कुछ भी करके ऐसे बाल बाल खोलूंगी, कान का नहीं रखेगा। ये भी सही है। हाँ चलो, तो अभी मैं जा रही हूँ, अच्छे से दिखाती हूँ। कान का नहीं लाई, नहीं मैं बस ऐसी ज्वेलरी गले का ही पहन रहा है। हाँ यही पहनूंगी, ये ठीक है, इसे ही पहनना। तो इसे पहन के तो कान में कुछ और पहन लेना ना, जो थोड़ा गोल्ड में मैच करे। हाँ ये भी सही कहीं, ये भी अच्छा लगे, देखती हूँ देखती हूँ मैं, ठीक है? रुको गाइस, मैं अभी आप सबको अपना सब कुछ दिखाती हूँ, ये से हटा दो, ठीक है? ये देखो ये रही वो साड़ी, ये देखो ये रेड व्हाइट में साड़ी है, ये आपने देखा होगा दीदी ने एक शॉर्ट्स में पहना था, ये उस वाले में था दीदी ने पहना था, जो बंगाली लुक किया था दीदी ने उसमें था। और ये देखो ये रहा उसका ब्लाउज, और ये मेरे पास है डमरू जो कि हम लोग ने खरीदा था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इस डमरू के साथ मैं ऐसे ऐसे मस्त मस्त करूँगी, जो भी ये कैसे बसता है, रुको गाइस बजा के दिखाती हूँ। किसी तरह तो बसता था यार ये, मैं भूल गई कैसे बसता है, रुको एक सेकेंड, बजे यार पच बज जा। हाँ ये रहा देखो, ये रहा डमरू, ठीक है? और ये फिर मैंने ये सब रखा है, और ये रहा कमरबंद, और ये रहे इयररिंग, और ये मेरे पास था रुद्राक्ष वाला माला, तो ये हो जाएगा मेरे पास। मतलब अब सब कुछ बस हो गया है, अब मुझे फटाक से तैयार होके आना है, और मैं तैयार होके आती हूँ। और गाइज हाँ एक चीज़ और, मुझे ये मेहंदी भी लगानी है, तो सोचूँ फटाक से मेहंदी ला लूँ, ताकि मेरा थोड़ा हाथ लाल वाला हो जाए, मज़ा आ जाए।
ये देखो गाइज, ये देखो, ये मैंने मेहंदी लगा ली और मैंने बहुत जल्दी मेहंदी लगाई सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। हाँ, और ये देखो गाइज, लड़की का एग्जाम और ये यहाँ पे सो रही है। देखो गाइज, मैंने सिखा था साड़ी ड्रेप करना है मेरा, और ये देखो यहाँ पे इसे नींद आने लगी। और दीदी तुझे करना है तो कोई बहाना नहीं बना सकती, ठीक है। और ये देखो गाइज, यहाँ पे मैंने फटक से मेहंदी लगा दी और मैंने यही वाली मेहंदी ली थी जो कि बस 1 मिनट में चढ़ती है। और अब मैं चल रही हूँ साड़ी पहनने। A few moments later. तो गाइस, अभी देखो मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, अपने हाथों में मैंने जो बैच पहन लिया। और ये देखो, ये मैं साड़ी दीदी को कब से पहनाने के लिए कह रही थी कि दीदी तुम्हें मुझे पहनाना, तुम्हें मुझे पहनाना, और मैं खुद से ही पहन ली। सब कुछ मैंने खुद से ड्रेप किया, पहली बार मेरे से साड़ी एकदम अच्छे तरीके से पहनाई है। लेकिन यार मुझे अपना हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा गाइस, इसकी वजह से एकदम चिपकू चिपकू सा लग रहा है मुझे। और इतनी तेज धूप है और इस धूप में मुझे जाना है ऊपर बनाने, मेरी क्या हालत होगी वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। बट मैं जा रही हूँ ऊपर अपना वीडियो शूट करने। और देखो दीदी अभी सोई हुई है, वो मुझसे बोली थी नहीं नहीं मैं सोऊंगी नहीं, और अभी सोई हुई है। सो गाइस, मैंने अभी अपना वीडियो शूट कर लिया और बहुत तेज़ धूप थी भाई, मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप। और इस धूप में मुझे अकेले बनाना पड़ा, वो भी अपने स्टैंड के सहारे अपने वीडियोस को शूट करना पड़ा। और ये देखो क्या हो गया है, ये नथिया पहनने की वजह से ना इसकी लिपस्टिक ऊपर आ गई। और ये देखो, ये जो मैंने रुद्राक्ष वाला पहना था ना, इसका पूरा रंग छूट के, इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है कि इसका रंग छूट के यहाँ पे आ गया। और मेकअप करके ना भाई, जो गर्मी होती है मैं क्या ही बताऊँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। एंड फिर फेस वॉश करने के बाद मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरा ऑल टाइम सबसे फेवरेट काम गाइज यही है। इससे पहले तो ये नहीं था, बट हाँ जब से वीडियोस वगैरह बनाने स्टार्ट किए ना, जब थक जाते तो ऐसा लगता है अब सोने जा रहे हैं, एंड अब सोने चलते हैं। और देखो दीदी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे साड़ी पहनाएगी, कुछ उससे कुछ किया ही नहीं, वो सोई रहेगी, उसके बाद अभी उठ के पढ़ रही है और अभी मैं जा रही हूँ सोने। सो गाइज, अभी वीडियोस बना बना के ना मेरा एकदम टायर्ड फील हो रहा था, एंड अभी मैं सोई भी नहीं पाई, मैं आधे पे ही उठ गई, क्योंकि मतलब टायर्ड फील हो रहा था ना, तो मेरा मन किया क्यों ना मैं नींबू पानी है चीनी मिला के पीऊँ। तो मैंने मम्मी से पूछा, वैसे मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कह दिया ठीक है बना के पी लो। और फिर मेरे साथ साथ दीदी को भी चाने लगा, तो मैं जा रही हूँ अभी नींबू पानी बनाने और उसमें शुगर ऐड करके बनाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मैं तो सच बता रही हूँ। अब मैं दोबारा से वेट कर रही हूँ, भगवान बारिश करो जल्दी, इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी है इस बारिश में। एंड देखो अभी मैं यहाँ पर चिल्ड एकदम नींबू पानी बना के लाई हूँ और वही पी रही हूँ। दीदी कैसा है, सही है? गर्मी बहुत ज्यादा ना, इसलिए मैं मन कर लिया। एक तो हम अभी वीडियो बना के आ रही हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी हुई थी, इतनी ज्यादा गर्मी हुई थी, कुछ ठंडा ठंडा पीने मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए था। मैं बस बोली नहीं कि मुझे कोई लोग कुछ दे दो, अच्छा बना। तो गाइस, आप सबको पता है आज का दिन एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि भाई लोग थे, दो दो भाई थे और दोनों चले गए। आज उन लोग का पेपर था, तो एक भाई का पेपर था वो तो चले गया और उसके साथ मेरा ही भाई चला गया, भैया चले गए दोनों लोग। और यार आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अभी तो मैंने वीडियो शूट किया, उसके बाद फिर अच्छा नहीं लग रहा था, सो भी नहीं पाई और नींबू पानी फिर मैंने पिया ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी देखो अभी बहुत दिन बोरिंग सा लग रहा है, तो दीदी का पेपर है गाइस, मतलब मैं कुछ भी कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं करूँ क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं बस इधर से उधर घूम रही हूँ और यार क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे बहुत से काम बचे हैं लेकिन पर वो करने का मन नहीं कर रहा। और अभी चलूँगी छत पे, मस्त टहल घूम के आऊँगी, या तो कुछ बनाऊँ मैं, बट मुझे कुछ आता भी नहीं है, क्या बनाऊँ मैं, लेकिन हाँ कुछ बना सकती हूँ, बट क्या बनाऊँ। अगर कुछ बनाऊँगी तो फिर वो लेने जाना होगा मैगी वगैरह, मैगी ही सोच रही थी बनाने के लिए, मैगी बनाऊँ क्या, नहीं 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 बनाऊँगी, नहीं 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 नहीं, क्या बनाऊँ कुछ सोच लूँ, या तो कुछ बनाऊँ ना, या तो मैं अपना वर्क कर लूँ, सबसे सही है। हाँ वैसे हाँ गाइस, मुझे आप सबको एक चीज़ दिखानी थी, मुझे अचानक से मैं इसी रूम में आ रही थी बस ऐसे ही मैं गई, और फिर मुझे तुरंत याद आया, तुरंत मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ, मुझे आप सबको दिखाना था हमारी जम्मू एंड कश्मीर की फ़ोटोज़ जो कि हमने निकलवा ली स्टूडियो से, मतलब उसी टाइम निकलवा ली थी, बट टाइम नहीं मिला दिखाने का। तो मैं क्या सोच रही हूँ आज वो आप सबको दिखाऊँ, या तो दीदी मना कर देगी तो फिर नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि दीदी को भी दिखाना है साथ में हमारे, तो वो देखते हैं, पता नहीं बस से पूछ लेते हैं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर की फ़ोटो दिखा दूँ क्या आप सबको। दीदी मैं क्या सोच रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर की फ़ोटो दिखाऊँ, दिखा दो, आज ही का डेट मिला था। हाँ आज दीदी का एग्जाम है, क्या करूँ आज नहीं,
सॉरी कल कल है दीदी का एग्जाम, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा है गाइस, दीदी ने मना कर दिया यार दिखाने के लिए। दिखाएंगे ना यार। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चल लेती हूँ अपनी स्टडी पूरी कर लेती हूँ। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।